हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्योर एलोवेरा को कैसे कट करके और स्टोर कर सकते हैं ताकि ये 6-7 महीने तक आसानी से हम यूज़ कर सकें। प्योर एलोवेरा तो हर किसी के घर में मिल जाता है, बट उन्हें निकालने नहीं आता कि इसे ईजिली कैसे निकाल सकते हैं और कैसे इसे यूज़ करें ताकि ये आसानी से ये चल सके। चलिए, मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। सबसे पहले हम पेड़ से एलोवेरा के लीव्स को कट कर लेंगे। मैंने कट कर लिया है और इसे वाटर से वॉश कर लिया है ताकि जो भी गंदगी हो वो अच्छे से निकल जाए। हम आज इसे ऐसे स्टोर करना बताएंगे ताकि आप इसे आसानी से बहुत दिनों तक स्टोर कर सकें और जब भी आपको एलोवेरा का यूज़ करना हो तो एक पीस निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक नाइफ़ की ज़रूरत है और एक आलू जो छीलने वाले होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो मैंने ये दोनों ले लिया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले एलोवेरा को लेंगे और इसके साइड कॉर्नर को कट कर लेंगे, जिसमें कांटे जैसा कुछ नुकीला होता है जो आसानी से निकल जाएगा ताकि उसके हार्ट्स जो भी कांटे हैं वो हमारे हमको लगे नहीं। और इसे निकालने के बाद बहुत आसान हो जाता है एलोवेरा निकालना। तो दोनों कॉर्नर को कट कर लेते हैं। आसान मेथड है एलोवेरा को निकालने का, ये बहुत ही ईजिली निकल जाता है। इसे हम छीलने वाले से उसको जैसे आलू छीलते हैं उसी तरह इसे सामने से उसको हटा देना है। इसके ऊपर के पार्ट को हटा देंगे, फिर नीचे के पार्ट को हटाएंगे। मैं अभी ऊपर का पार्ट इसको निकाल रही हूँ। आप हल्के हाथों से निकालें ताकि उसके जो भी एलोवेरा हों अंदर के वो नहीं निकल पाएँ। मैंने फर्स्ट पार्ट को निकाल दिया है सामने के, आप देख सकते हैं। और अभी हम पीछे से निकालना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं एलोवेरा के जो भी पार्ट हैं वो ईज़िली निकल गए। आप देखिए कितना अच्छे से ये निकल गया है। और जो भी बच जाएंगे, जो उसे हम नहीं निकाल पाएंगे, उसे नाइफ से हम कट कर लेंगे धीरे धीरे। आप देख सकते हो ये कितना आसानी से निकल गया एलोवेरा। ये पूरा प्योर एलोवेरा है जो ईज़िली हमारे हाथों में है और ये इसमें से वाटर भी नहीं निकला है। इसे स्टोर करने के लिए हम इसे नाइफ़ की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि स्टोर करने में आसानी हो। और इसे जब भी कोई फेस पैक या कोई भी फेस के लगाना का यूज़ करना हो तो इसे हम एक एक पीस निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और इसे फ्रिज में आप स्टोर करके रख सकते हैं, बाहर में नहीं रखें। और इस एलोवेरा को आसानी से, बहुत ही आसान मेथड है इसे यूज़ करने का, रखने का। ये बहुत छोटे छोटे पीसेज में, जब भी ज़रूरत हो तो एक पीस निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा एलोवेरा बर्बाद भी नहीं होगा और बहुत सही होगा। तो इसे मैं एक पन्नी में रखूँगी वहाँ पर, और ये एक एयर टाइट कंटेनर है और ये एक पन्नी है जो एयर टाइट है। और इसमें मैं अभी रख के आपको बताती हूँ। आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं। तो मैं अभी इसी में रख के आपको बताती हूँ। आसानी से बंद हो गया, ये जिप लॉक है तो इसको मैं लॉक कर दी हूँ। और ये बहुत सही रहता है। और फ्रिज में इसे स्टोर कर दें।